दोस्तों, अक्सर कंस्ट्रक्शन साइटों पे एक चीज जो हमने सबसे ज्यादा नोटिस की है, जो वहां पे इग्नोर किया जाता है दोस्तों, वो है क्यूरिंग। मतलब कि जो तराई होती है दोस्तों, चाहे आपका जो प्लास्ट वर्क हो, चाहे आपका आरसीसी वर्क हो, या फिर आपका ब्रिक वर्क हो, चाहे जो भी वर्क हो, क्यूरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर हम क्यूरिंग जो है प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं या कम करते हैं, तो उससे क्या क्या दिक्कत जो है आपके मकान में जो है आ सकती है। बेसिकली क्या दोस्तों, जो आप देखते होंगे कि आपका मकान जो है कंप्लीट भी नहीं होता, आपका प्लास्टर सूखता तक नहीं, उससे पहले उसमें क्रैक्स आ जाती है। आपकी जो स्लैब होती है, स्लैब जो आपकी कास्टिंग होती है, उससे 2 4 दिन के बाद इसमें जो है क्रैक्स आपको दिखने लग जाती है। तो वो किस वजह से होता है? ठीक है, वो होता है दोस्तों कि जो है क्यूरिंग की कमी के कारण। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि जो आपका मकान है सालों साल चले और उसमें कोई दिक्कत ना आए, जैसे क्रैक्स वगैरह दिक्कत ना आए, तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस टाइप का सीमेंट यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है कितने टाइम तक, कितने समय तक जो आपको क्यूरिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो डिटेल से वीडियो जो है इसके ऊपर होने वाली है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, 50% लोग जो है मैंने ऐसे देखे हैं जो क्यूरिंग को, मतलब तराई को जो है वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी मानते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि भाई हम क्यूरिंग कर रहे हैं तो इसमें एक तो समय की बर्बादी है, इसकी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और एक सोचते हैं कि भाई क्यूरिंग हम कराएंगे तो इसके लिए लेबर भी लगेगी, हमारी जो हमारा बजट है वो भी जो है उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जितना आप सोचते हैं कि अच्छा सीमेंट हम अपने मकान के लिए आप ढूंढते हो, कोशिश करते हो, कि सबसे पहले सर्च करते हो गूगल पे भी कौन सा कंपनी का सीमेंट जो सबसे अच्छा है। ठीक है, तो क्या है कि हम ढूंढ के लाते हैं, हम सोचते हैं कि भी अच्छा सीमेंट लगाएंगे तो आपका मकान की जो लाइफ है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा होगी। बट दोस्तों, मैं आपको एक छोटी ही चीज़ बताऊंगा कि भाई जितनी कोशिश आप, जितनी ढूंढने में आप लगाते हो कि भी अच्छा सीमेंट आप लगाओगे, उतना उसकी लाइफ होगी, उतना ही इम्पोर्टेंस जो है क्यूरिंग की है, तराई की है। अगर आपने अच्छा कंपनी का सीमेंट लगा दिया और उसकी जो है क्यूरिंग, आपने पर्टिकुलर जो स्पेसिफिकेशन उसकी होती है कि भी इतने देर तक आपने, इतने डेज तक आपको जो करनी ही करनी है, आप नहीं करते हो, तो उस सीमेंट का दोस्तों कोई फायदा नहीं है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जब सीमेंट जो है पानी के टच में आती है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो आपने देखा होगा कि प्लास्टर में क्रैक्स आ जाती है, स्लैब में क्रैक्स आ जाती है कुछ टाइम के बाद ही, जैसे आपने प्लास्टर कराया है और हमने क्यूरिंग पे ध्यान दिया नहीं है, तो हम सोचते हैं कि भाई प्लास्टर में 2 4 दिन के बाद सोचते हैं कि इसमें प्लास्टर में तो ये सूखता है वो, क्यों, बिकॉज क्या, क्यूरिंग तो आपने की नहीं है, तो प्लास्टर में क्रैक्स हल पहले स्टार्टिंग में हेयर क्रैक्स दिखते हैं, उसके बाद वो बढ़ता 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 जो है अजगर का मुंह बोलते हैं ना, अजगर का मुंह, तो ऐसी ऐसी मोटी मोटी दरारें आ जाती है। वो होता क्यों है? ठीक है, उसका पर्टिकुलर रीजन यही है कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, ठीक है, क्यूरिंग जो पर्टिकुलर एक सीमेंट को चाहिए उसकी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, चाहे आपका आरसीसी मेंबर है, आपका ब्रिक मेंबर है, या आपका जो भी है पर्टिकुलर, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, अगर आपको स्ट्रेंथ देनी है दीवार में, कॉलम में, आरसीसी बीम में, या फिर स्लैब में, तो उसके लिए जो है क्यूरिंग मस्ट मस्ट एंड मस्ट है। ठीक है, मैं इससे ज्यादा तो क्या बताऊं कि जितना जरूरी सीमेंट को मानते हो, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपको क्यूरिंग पे ध्यान देना है। और जो लोग मानते हैं कि भी क्यूरिंग सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है, तो भाई आपको क्या है कि आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि भी सीमेंट जो है आपकी क्यूरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, और कौन से सीमेंट में जो आपको कितने दिन तक जो है क्यूरिंग करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूं कि सुपर सल्फेट सीमेंट, जो अगर आप सुपर सल्फेट सीमेंट अगर आप यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए क्या है कि आपको 7 डेज, मतलब कि आपको 7 डेज जो है सीमेंट के लिए 7 डेज आपकी क्यूरिंग करनी है आपको। ठीक है जी, 7 डेज आपको क्यूरिंग करनी ही करनी है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि ओपीसी सीमेंट, जो हमारा कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा हम जिस सीमेंट को यूज करते हैं ओपीसी सीमेंट, उसके लिए जो है आपको 10 डेज, 10 डेज, 10 डेज के लिए जो है आपको उसकी क्यूरिंग तराई करनी ही करनी है। ठीक है, मतलब कि जिस सीमेंट में दोस्तों हम क्या है कि मिनरल्स और एडमिक्सर यूज करते हैं सेटिंग टाइम इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, ठीक है, तो उस सीमेंट में क्या दोस्तों कि मिनिमम जो है 14 डेज, 14 दिन तक जो है तराई करनी करनी है। ठीक है, और आपकी रही लास्ट पीपीसी सीमेंट की, आपको जो है 10 डेज, मतलब कि ये मिनिमम है दोस्तों, इससे 1 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाए तो बहुत अच्छी है, और मिनिमम तो मिनिमम है कि भाई इतना कर लोगे तो वो सफिशियंट है। बट मैं आपको बता देता हूँ कि इतना भी अगर आपने कर लिया,
चाहे आपका घर का प्रोजेक्ट है, कमर्शियल प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट है, आपने आपने इतना दिन भी कर दिया ना, वो सुफिशियंट है। इतना दिन मैं लिख के देता हूँ दोस्तों किसी भी साइटों पे, वो क्या है कि मतलब कि इतने दिन होती नहीं है कहीं ना कहीं, वो मतलब कि जैसे कि 4 दिन 5 दिन के बाद जो है क्यूरिंग करते हैं, उसके बाद जो है फिर उसको हल्का लाइटली लेना शुरू कर देते हैं, चलो अभी बहुत हो गई हटाओ। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि जितनी इंपॉर्टेंस आप मतलब कि सीमेंट अच्छी है तो जो है बिल्डिंग आपका मकान जो काफी मजबूत बनेगा, तो उतना ही जो है ध्यान आपने क्यूरिंग पे भी ध्यान देना है कि तराई अगर आपने प्रॉपर की है तो आपका मकान उतना ही सॉलिड, इतना ही मजबूत बनेगा जितना आप सीमेंट से सोचते हो। ठीक है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग क्यूरिंग के, कि भाई हमें क्यूरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अगर आप खुद का मकान बना रहे हो या फिर किसी दूसरे का भी बना रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।